दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। अभिभाषक संघ गुना द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर न्यायाधिपति महोदय को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार कोष्टा के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने जिला मुख्यालय गुना न्यायालय से पोस्को अधिनियम, कुटुम्ब न्यायालय एवं महिला अपराधों से संबंधित प्रकरणों का रावगढ़ न्यायालय जिला गुना को स्थानांतरित किए जाने का विरोध किया। घर के आंगन में सो रहे व्यक्ति की हत्या के मामले में गुना पुलिस ने महज 6 घंटे में उठाया पर्दा। अवैध संबंधों में की गई हत्या, हत्या आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। हत्या के इस मामले में पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक विवेचना में ज्ञात हुआ कि मृतक की पत्नी के म्याना निवासी नवीन प्रजापति से संबंध थे। इस बात को लेकर मृतक व उसकी पत्नी के बीच आए दिन झगड़ा होता था। विवेचना में सामने आई इस बात को पुलिस ने गंभीरता से लिया और संदेह के आधार पर नवीन प्रजापति को तत्काल म्याना चौराहे से हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जो पहले तो पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन जब पुलिस द्वारा उसके कुछ साक्ष्य दिखाकर सख्ती से पूछताछ की गई तो वे टूट गया और हत्या का सारा राज उगल दिया। गाय चराने गई नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने महज 12 घंटे में किया गिरफ्तार। पुलिस की टीम द्वारा आरोपी की तलाश में उसके गांव व आसपास के क्षेत्रों में लगातार दबिशे देकर आरोपी की सघन तलाश की गई और घटना की रिपोर्ट के मात्र 12 घंटे के भीतर ही बच्ची के साथ कुकर्म के आरोपी मशारी पुत्र मकरुद्दीन नट उम्र 19 साल निवासी ग्राम देहरी डांग बीलपुरा थाना बजरंगड़ को पुलिस ने धर दबोच लिया, जिसे आज न्यायालय पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया है। सीवर लाइन बिछाने और अतिवर्षा से उखड़ी सड़कों को मरम्मत करने के संबंध में जिला कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। शहर के विभिन्न मोहल्ले और कॉलोनियों में सीवर लाइन बिछाने के लिए डामर और सीसी सड़कों को खोद दिया गया, लेकिन मरम्मत के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई। इससे लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। शेष कसर अतिवर्षा ने पूर्ण कर दी। ईदगाबाड़ी में सीसी रोड को खोद कर लाल मिट्टी डाल दी गई, वहीं अन्य स्थानों पर भी सड़कें खुदी पड़ी हैं। बारिश के दौरान उखड़ी सड़कें कीचड़ और दलदल में तब्दील हो गईं, जिससे रहवासियों को काफी परेशानी आ रही है। आज क्षेत्रवासियों द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और जल्द निराकरण की मांग की गई। अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा के जिलाध्यक्ष बने संतोष सिंह। अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश सिंह यादव द्वारा वरिष्ठ नेतृत्व की अनुशंसा पर संतोष सिंह यादव को गुना जिले का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। सनातन धर्म मंडल ट्रस्ट की नवीन समिति गठन की मांग। नगरवासियों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। आरोन सनातन धर्म मंडल ट्रस्ट की नवीन समिति की गठन की मांग तथा पूर्व समितियों को भंग करने की मांग को लेकर नगरवासियों ने अनुभागीय अधिकारी को ज्ञापन दिया। इसके पूर्व व्यापारियों ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर पत्रकारों को दी गई जानकारी में बताया कि वर्तमान में ट्रस्ट की 3 समिति कार्यरत हैं, जो अपने आप को वेद होने का दावा कर रही हैं। व्यापारियों का कहना है कि तहसील स्तरीय प्रशासन खुले तौर पर पत्रकारों के समक्ष समिति का गठन करे तथा उसमें सभी वर्गों के लोगों के साथ साथ स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक कार्यकर्ता, एडवोकेट तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी शामिल करे। ग्राम पंचायत उमरथाना की कृषकों को उचित मूल्य दुकान से 3 माह तक अनाज नहीं मिलने पर ग्रामवासियों ने एसडीएम चाचौड़ा को सौंपा ज्ञापन। आज पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुमेर सिंह गड़ा जंगरू पधारे। भारी बारिश के कारण गिरे हुए मकानों का निरीक्षण किया एवं पीड़ितों से मिले सभी को राशन राहत सामग्री प्रदान की। आज गुना राजीव गांधी भवन जिला कांग्रेस कार्यालय पर सर्वप्रथम पूर्व विधायक श्रद्धेय दादा भाई स्वर्गीय मूल सिंह की पंचम पुण्यतिथि मनाई गई। इसके बाद जिला कांग्रेस द्वारा राजीव गांधी भवन ट्रस्ट के अध्यक्ष आशु बना की विशेष उपस्थिति में सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर नरेश लाहोटी पर्यवेक्षक गुना नगरीय निकाय चुनाव प्रभारी आशु बना, योगेंद्र सोनी एवं समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता कार्यक्रम में उपस्थित रहे।
गैर जरूरी दस्तावेज मांगकर छात्रों को किया जा रहा है परेशान, बोला AIDSO। जिले के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एक साल की देरी से शुरू हुए अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के छात्रों के आवास योजना व छात्रवृत्ति योजना के फॉर्म जमा हो रहे हैं, जिसमें छात्रों को अनावश्यक दस्तावेज मांग कर संबंधित विभाग के प्रोफेसरों द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है। इस समस्या के समाधान को लेकर आज छात्र संगठन AIDSO द्वारा कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन दिया गया। भारतीय किसान संघ जिला गुना तहसील आरोन द्वारा अनुभागीय अधिकारी आरोन द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने बताया कि भारतीय किसान संघ किसानों के द्वारा चलाए जाने वाला किसानों के हित में काम करने वाला एक गैर राजनीतिक एवं राष्ट्रवादी संगठन है, जो कि किसानों का विकास हेतु निरंतर प्रगतिशील है। इस कड़ी में किसानों को निम्न समस्याओं का निराकरण किया जाए। यह है कि संपूर्ण तहसील आरोन में किसानों की खरीफ सीजन की फसलें धान, उड़द, मक्का, सोयाबीन, तुअर, ज्वार की फसल अतिवृष्टि के कारण फसलों को भारी नुकसान हुआ है। भारतीय किसान संघ तहसील आरोन मांग करता है कि तत्काल सर्वे कराकर बीमा मुआवजा की राशि किसानों को दी जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में अतिवृष्टि के कारण कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे लोगों को अन्न, माल, पशु एवं पशु चारा नष्ट हो गया। ग्रामवासियों का फोटो सर्वे कराकर राहत राशि प्रदान की जाए एवं उनके ठहरने की उचित व्यवस्था की जाए एवं किसानों द्वारा विभिन्न मांग की गई। जन शिकायत निराकरण की सूचना संबंधित को जरूर दें, बोले जिला कलेक्टर। कलेक्टर ने CM हेल्पलाइन में लंबी शिकायतों की समीक्षा की। कलेक्टर फ्रैंक नोवेले द्वारा CM हेल्पलाइन में लंबित पत्रों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि जो भी शिकायत निराकृत हो उसकी सूचना संबंधित व्यक्ति को जरूर दें, जिससे वे भटकता ना हो। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नीलेश पारिक, डिप्टी कलेक्टर RV सिंदूषकर तथा श्रीमती सोनम जैन, अनुविभागीय अधिकारी सुश्री अंकिता जैन सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे। अतिवृष्टि से प्रभावित निर्माणों की मरम्मत शुरू। लोक निर्माण विभाग द्वारा हाल ही में हुई अतिवृष्टि एवं बाढ़ से उखड़े हुए पुल पुलियों व क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है। कार्यपालन यंत्री PK श्रीवास्तव ने बताया कि गुना नगर में भुल्लनपुरा क्षेत्र की सड़क पर क्षतिग्रस्त हुई नाली की पुलिया निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही और क्षतिग्रस्त हुए कार्यों की मरम्मत की जाएगी। DRM ने किया भोपाल बिना गुना रेल खंड का निरीक्षण। DRM ने किया भोपाल बिना गुना रेल खंड का निरीक्षण। मंडल रेल प्रबंधक सौरभ बंदोपाध्याय ने आज दिनांक 18 अगस्त को विभाग अध्यक्षों के साथ भोपाल मंडल के भोपाल बिना गुना रेल खंड का निरीक्षण कर इस रेल खंड में स्थित शंपार फाटकों, रेल पुलों, रेल पथों, संरक्षा एवं सुरक्षा से जुड़े यंत्रों, OHE एवं सिग्नल प्रणाली का सघन निरीक्षण कर उनकी कार्य क्षमता को परखा एवं बेहतर रखरखाव के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की। बिजुपुर थाना क्षेत्र से गायब किशोरी को ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस द्वारा मात्र 12 घंटे में भोपाल से खोज निकाला। दिनांक 16-17 अगस्त की रात्रि जिले में बिजुपुर थाने पर फरियादी पिता द्वारा 16 अगस्त को अपनी 16 वर्षीय पुत्री के घर से अचानक कहीं जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस द्वारा अपने सूत्रों व तकनीकी संसाधनों की मदद से किशोरी की जगह जगह सघन तलाशी करते हुए अंततः रिपोर्ट के मात्र 12 घंटे के भीतर ही उसे भोपाल से खोज निकाल लिया गया, जिसे विधिवत कार्यवाही उपरांत किशोरी को उसके परिजनों को सौंप दिया गया। अंचल में पवित्रता एकादशी महोत्सव भव्यता से मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि मार्ग की परिषद के तहत सत्संग मंडलों, पुष्टि भक्ति केंद्रों, वैष्णव मंदिरों में पवित्रता एकादशी पर विशेष मनोरथ एवं पुष्टि प्रकाट्य महोत्सव के तहत भव्य कार्यक्रम सम्पन्न हुए। 1-4 सितंबर के बीच प्रतिभावन खिलाड़ियों की टैलेंट सर्च कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए एडिशनल SP की अध्यक्षता में बैठक संपन्न। संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण भोपाल के निर्देशानुसार विभिन्न एकेडमियों में प्रतिभावन खिलाड़ियों के प्रवेश हेतु टैलेंट सर्च 24 अगस्त से 4 सितंबर के मध्य किया जाना है। जिला स्तर पर होने वाले टैलेंट सर्च में खिलाड़ियों का फिजिकल फिटनेस टेस्ट की रूपरेखा तैयार करने के लिए पुलिस कंट्रोल रूम गुना में एडिशनल SP TS वगैरह की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई।
राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत एक दिवसीय सेमिनार आयोजित। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन स्थानीय नगरपालिका के सभाकक्ष में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर एस भाटी द्वारा मानसिक रोगों के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। मुनि श्री पद्म सागर महाराज ने किया केश लोचन। शहर में जैनाचार्य विद्यासागर जी महाराज के शिष्य मुनि श्री पद्म सागर जी महाराज ने बुधवार को केश लोचन किया। केश लोचन जैन संतों की वे परंपरा है जिसमें बिना किसी आर्टिफिशियल संसाधन जैसे कैची, उस्तरा, ब्लेड आदि का उपयोग किए बिना अपने हाथों से बालों को खींच कर शरीर से अलग करना। जैन परंपरा की इस कठोर प्रक्रिया के बारे में सुनकर ही आपका रोम रोम खड़ा हो जाएगा। लेकिन बुधवार को शहर में चातुर्मास कर रहे जैन संत पद्म सागर महाराज ने अपने हाथों से केश लोचन किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने उनके दर्शन कर स्वयं को धन्य माना। जिला विशेष शाखा पुलिस के महेश त्यागी को दूसरी बार मिला सम्मान। प्रभारी मंत्री प्रद्युमन सिंह द्वारा जिला विशेष शाखा के प्रधान आरक्षण महेश त्यागी को इस बार भी जिले में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। पुलिस के रहते हुए कार्य के प्रति हमेशा समर्पित रहने वाले महेश त्यागी को दूसरी बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय पर सम्मानित किया गया। एसडीएम ने घर पहुंचकर मीशा बंदी का सम्मान किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चाचौड़ा एसडीएम वीरन सिंह बघेल द्वारा बीनागंज निवासी रामबाबू साहू पिता मिश्रीलाल साहू मीशा बंदी के घर पहुंचकर साल श्रीफल एवं फूल माला से सम्मान किया। इस अवसर पर अनुभागीय अधिकारी के साथ नायब तहसीलदार उदयभान सिंह एसडीएम एस्टेनो रितेंद्र डेकोडे एवं नगर परिषद के कर्मचारी उपस्थित रहे। मंगलवार को जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ बमोरी में जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मां सरस्वती जी के चित्र पर पूजा अर्चना कर सरस्वती वंदना का गायन किया गया। अतिथि आगमन पर विद्यालय परिवार द्वारा स्वागत गीत के माध्यम से स्वागत किया गया। मौसम ने आज फिर ली करवट। दिन भर छाए रहे बादल और शाम होते होते हुई बारिश। कई घंटों तक होती रही रिमझिम बारिश। न प्रशासन सुन रहा है न नगरपालिका अधिकारी। रहवासियों द्वारा लगाए जा रहे दफ्तर के चक्कर। वार्ड नंबर 9 के रहवासी हो रहे गंदगी की समस्या से परेशान। वार्ड पार्षद को भी बताई गई समस्या। रहवासियों की समस्या को कर दिया गया नजरअंदाज। म्याना में हुई शांति समिति की बैठक आयोजित। आज म्याना थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। थाना प्रभारी आमोद सिंह राठौड़ की ओर से आगामी समय में मुहर्रम को लेकर आयोजित की गई बैठक में मुहर्रम ताजिए निकालने के दौरान कोविड नियमों के पालन करने हेतु शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के बारे में थाना प्रभारी ने सभी को बताया एवं समझाया। नगर पुलिस अधीक्षक गुना एवं नगरीय तहसीलदार गुना के द्वारा मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्वक एवं सौहार्द पूर्वक तथा शासन द्वारा जारी गाइडलाइन अनुसार मनाने एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से मुस्लिम धर्म के प्रतिनिधि संगठन से चर्चा हेतु पुराने कलेक्ट्रेट भवन गुना में स्थित अनुभागीय अधिकारी कार्यालय में प्रातः 11 बजे बैठक रखी गई। बैठक में निर्णय लिए गए। कोविड संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए धार्मिक सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। लाउडस्पीकर बजाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन अनिवार्यता करने हेतु अवगत कराया गया। साथ ही ताजियों के साथ डीजे एवं किसी भी प्रकार का शोर शराबा करने की अनुमति नहीं दी गई। ताजियों के दौरान जगह जगह टेंट लगाकर स्वागत करने की अनुमति नहीं दी गई। यूसुफ खान अध्यक्ष ताजिया इंतजमिया कमेटी गुना द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 19 अगस्त को हुसैन टेकरी जाएंगे तथा 20 अगस्त को हुसैन टेकरी जाकर सलामी देंगे और दोपहर 2 बजे के बाद ताजिए निकाले जाएंगे। ताजियों की ऊंचाई 5 फीट रखने के निर्देश दिए गए हैं। जुलूस के दौरान मातमी धुन ढोल बताशे रात्रि 10 बजे तक उच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार पालन करने हेतु पालन किया जाए। दिनांक 20 अगस्त को जो ताजी रस्म अदायगी हेतु हुसैन टेकरी जाएंगे उनके साथ ना तो कोई ढोल धमाका होगा ना तो कोई डीजे होगा। ताजी हुसैन टेकरी से निकले ताजी हुसैन टेकरी से निचले बाजार पर आकर वाहनों के द्वारा ताजियों को ठंडा करने हेतु ले जाने की सहमति दी है।
अभिभाषक संघ गुना द्वारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर न्यायाधिपति महोदय को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार कोष्टा के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने जिला मुख्यालय गुना न्यायालय से पोस्को अधिनियम कुटुम्ब न्यायालय एवं महिला अपराधों से संबंधित प्रकरणों का रावगढ़ न्यायालय जिला गुना को स्थानांतरित किए जाने का विरोध किया। आज अधिवक्ता संघ गुना ने माननीय जिला न्यायाधीश महोदय के माध्यम से एक ज्ञापन माननीय न्यायाधिपति महोदय उच्च न्यायालय जबलपुर के नाम दिया है, और ज्ञापन का विषय ये है कि अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन हुआ है, और नोटिफिकेशन के माध्यम से अब जो रावधोगढ़ क्षेत्र से संबंधित प्रकरण महिला अपराध हो, पोस्को अधिनियम हो या कुटुंब न्यायालय से संबंधित हो, वो सब अब रावगढ़ न्यायालय में ही चलेंगे, वो गुना नहीं आएंगे। अभी तक होता ये था कि वो सब प्रकरण गुना आते थे और गुना में कोर्ट में चलते थे। तो हमारी मांग ये है कि गुना में हमारे यहाँ रजिस्टर्ड अधिवक्ता लगभग 800 है, संख्या बहुत अधिक है, और राधोगढ़ न्यायालय में लगभग 100 हैं, जो संख्या बहुत कम है। राधोगढ़ न्यायालय में पूर्व से ही प्रकरण इतने हैं कि उन अधिवक्ताओं के लिए काम की कोई कमी नहीं है। गुना से ये प्रकरण राधोगढ़ चले जाने के कारण और नए प्रकरण राधोगढ़ में अब आएंगे उसके कारण गुना के अधिवक्ताओं के सामने काम का संकट पैदा होगा, काम कम होगा, और मैं समझता हूँ संख्या के हिसाब से सभी अधिवक्ताओं को काम नहीं मिल पाएगा। इससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट भी उत्पन्न होगा, जो व्यावहारिक दृष्टि से ठीक नहीं होगा। अधिवक्ताओं के हित में संघ ने यह ज्ञापन आज उस निर्णय का विरोध करते हुए और उस निर्णय पर उच्च न्यायालय दोबारा से विचार करे इस संबंध में दिया गया। जी प्रकरण आप बता रहे हैं राधोगढ़ के उसी कोर्ट में रहेंगे कि गुना की जा सकते हैं उसमें? नहीं, अभी आदेश जो है वो राधोगढ़ के जो नए प्रकरण आएंगे उस साइड से वो सब वहाँ दायर किए जाएंगे, वो गुना नहीं आएंगे। अभी होता यह था कि गुना में आते थे और गुना में पोस्को कोर्ट अलग है उसमें चलते थे, महिला अपराध से संबंधित अलग कोर्ट है उसमें चलते थे, और कुटुंब न्यायालय बना हुआ है उसमें हिंदू विवाह अधिनियम आदि से संबंधित प्रकरण पेश किए जाते थे। अब वो सब प्रकरण गुना में ना होके वो राधोगढ़ न्यायालय में पहुँचेंगे। घर के आंगन में सो रहे व्यक्ति की हत्या के मामले में गुना पुलिस ने महज 6 घंटे में उठाया पर्दा। अवैध संबंधों में की गई हत्या आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। हत्या के इस मामले में पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक विवेचना में ज्ञात हुआ कि मृतक की पत्नी के म्याना निवासी नवीन प्रजापति से संबंध थे। इस बात को लेकर मृतक व उसकी पत्नी के बीच आए दिन झगड़ा होता था। विवेचना में सामने आई इस बात को पुलिस ने गंभीरता से लिया और संदेह के आधार पर नवीन प्रजापति को तत्काल म्याना चौराहे से हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जो पहले तो पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन जब पुलिस द्वारा उसके कुछ साक्ष्य दिखाकर सख्ती से पूछताछ की गई तो वे टूट गया और हत्या का सारा राज उगल दिया। गत रात्रि में म्याना थाना के अंतर्गत ये सूचना प्राप्त हुई थी, लगभग सवेरे की स्थिति में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम गोमची खेड़ा के निवासी हरि सिंह भील, जो कि 35 वर्ष का है, उसकी किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा हत्या कर दी गई है। उसकी डेड बॉडी खाट पर पड़ी थी और उसको गले पर चोट के निशान थे। ये सूचना प्राप्त होने पे तत्काल SDOP TI म्याना और टीम को रवाना किया गया, FSL टीम को रवाना किया गया, सब मौके पर पहुँचे, घटनास्थल का बारीकी से आकलन निरीक्षण किया और वहाँ आसपास और सभी लोगों से पूछताछ की गई, उसके रिश्तेदारों से पूछताछ की गई, डेड बॉडी के अग्रिम कार्रवाई के लिए उसको रवाना किया गया। साथ ही साथ आरोपियों की पतारसी के लिए एक टीम लगा दी गई थी, जिस टीम ने मात्र 6 घंटे के अंदर यह ट्रेस कर लिया और जिसमें यह ज्ञात हुआ कि आरोपी जो है वो म्याना का नवीन प्रजापति नाम का व्यक्ति है, जिसका कि उस मृतक के घर आना जाना था और मृतक की पत्नी से उससे संबंधित रहा है वो। तो पत्नी के कहने पर इसने इस व्यक्ति का मर्डर किया। इसमें कट्टा भी बरामद हुआ है और ऑपरेशन के दौरान कारतूस भी उसकी गर्दन में फंसा हुआ मिल गया है। इस प्रकार शीघ्र ही 6 घंटे के भीतर ही इस नशंस हत्या का पर्दाफाश हमारी टीम द्वारा कुशलतापूर्वक कर लिया गया, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है, उसका PR लिया जा रहा है और अभी अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। जिस टीम ने अच्छा कार्य किया है उन्हें हम पृथक से इसमें पुरस्कृत कर रहे हैं।
गाय चराने गई नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने महज 12 घंटे में किया गिरफ्तार। पुलिस की टीम द्वारा आरोपी की तलाश में उसके गांव व आसपास के क्षेत्रों में लगातार दबिशे देकर आरोपी की सघन तलाश की गई और घटना की रिपोर्ट के मात्र 12 घंटे के भीतर ही बच्ची के साथ कुकर्म के आरोपी मशारिफ पुत्र मकरुद्दीन नट उम्र 19 साल निवासी ग्राम देहरीडांग बीलपुरा थाना बजरंगड़ को पुलिस ने धर दबोच लिया, जिसे आज न्यायालय पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया है। गत दिवस कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक 13 साल की बच्ची से बलात्कार का प्रकरण समक्ष में आया था। इसमें जो बच्ची है वह कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव की निवासी है। वह अपनी गाय चराने के लिए, गाय को लेने के लिए गांव के आउटर पे गई थी, जहां पर जो आरोपी है मशारिफ नट ये बजरंगढ़ थाना क्षेत्र के देहरीडांग का रहने वाला है। इस आरोपी द्वारा उसको बहला फुसला कर एक तरफ ले जाकर उसके साथ फिर बाद में जोर जबरदस्ती से बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया था। घटना की सूचना पर तत्काल यहां से CSP और TI महिला थाना से बल सभी को रवाना किया गया। वे मौके पर पहुंचे, बच्ची को तुरंत मेडिकल के लिए रवाना किया, मेडिकल करवाया और आरोपी की सघनतापूर्वक तलाश जारी की गई। आरोपी उस समय गाँव से भाग गया था। लगातार टीमें उसको ट्रेस करती रहीं और अंततः उसको 12 घंटे के अंदर ही पकड़ लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। बच्ची जो है पूरी तरह स्वस्थ है, सुरक्षित है। उसकी पूरी काउंसलिंग करके नियमानुसार जो है कार्रवाई की जा रही है। आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय में माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है और आगे की कार्रवाई इसमें संपन्न की जा रही है। सिविल लाइन बिछाने और अतिवर्षा से उखड़ी सड़कों को मरम्मत करने के संबंध में जिला कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। शहर के विभिन्न मोहल्ले और कॉलोनियों में सिविल लाइन बिछाने के लिए डामर और CC सड़कों को खोद दिया गया, लेकिन मरम्मत के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई। इससे लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। शेष कसर अतिवर्षा ने पूर्ण कर दी। ईदगाहवाड़ी में CC रोड को खोद कर लाल मिट्टी डाल दी गई। वहीं अन्य स्थानों पर भी सड़कें खुदी पड़ी हैं। बारिश के दौरान उखड़ी सड़कें कीचड़ और दलदल में तब्दील हो गईं, जिससे रहवासियों को काफी परेशानी आ रही है। आज क्षेत्रवासियों द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया और जल्द निराकरण की मांग की गई। ये किस लिए आए थे आप? आज बाढ़ क्रमांक 7 गुना शहर की स्थित है। बाढ़ क्रमांक 7 की समस्याओं को लेकर गुना शहर में जो सीवर लाइन खोदी गई थी, ठेकेदार द्वारा जो है सिविल लाइन खोदने के उपरांत जो है उसकी मरम्मत नहीं की गई है और बाढ़ क्रमांक 7 में तो बहुत खराब स्थिति है। वहाँ पर लाइन खोदी, मरम्मत नहीं की और केवल मुरम डाल दी गई है, जिससे जो है आवागमन बहुत ही दुर्बर हो गया है। बाढ़ वासियों को बहुत दिक्कत आ रही है। इसी प्रकार पूरे शहर में सिविल लाइन डालने के लिए लाइन खोदी गई, उसका हम स्वागत करते हैं। विकास का काम हो रहा है, लेकिन विकास जो है लोगों की सुविधा के लिए होता है। इस सीवर लाइन से लोगों को जो है सुविधा जो है असुविधा हो रही है। इस कारण से माननीय जिलाधीश महोदय को हम एक ज्ञापन निवेदन आवेदन के माध्यम से अवगत कराने आए हैं कि शहर की सड़कों को सुधरवाया जाए, जिससे कि लोगों को आवागमन में सुविधा हो। क्या कहा साहब ने? आप ज्ञापन देने गए थे, क्या हुआ? माननीय मैडम ने जो है आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी जो है इस काम को लिए करवाया जाए। आप संतुष्ट हैं? काम तो होगा तो संतुष्ट होगा, काम होगा इसके बाद ही संतुष्ट होंगे। तो अभी आपको दिला दी गई है कि आपका काम हो जाएगा? निवेदन दिया है, उन्हें निवेदन आवेदन ज्ञापन देंगे यदि काम नहीं हुआ। आपका शुभ नाम? हेमंत सिंह कुशवाहा, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष क्रांति कुशवाहा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन धर्म मंडल ट्रस्ट की नवीन समिति गठन की मांग, नगरवासियों ने SDM को सौंपा ज्ञापन। आरोन सनातन धर्म मंडल ट्रस्ट की नवीन समिति की गठन की मांग तथा पूर्व समितियों को भंग करने की मांग को लेकर नगरवासियों ने अनुभागीय अधिकारी को ज्ञापन दिया।
इसके पूर्व व्यापारियों ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर पत्रकारों को दी गई जानकारी में बताया कि वर्तमान में ट्रस्ट की 3 समिति कार्यरत हैं, जो अपने आप को वेद होने का दावा कर रही हैं। व्यापारियों का कहना है कि तहसील स्तरीय प्रशासन खुले तौर पर पत्रकारों के समक्ष समिति का गठन करे तथा उसमें सभी वर्गों के लोगों के साथ साथ स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता, धार्मिक कार्यकर्ता, एडवोकेट तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी शामिल करे। कमल गोवाल है। आज जो आवेदन आपने अनुविभागीय अधिकारी को दिया, वो किस विषय को लेकर दिया है? हमने दिया है कि 2004 में जो अग्निकांड द्वारन में हुआ गया था, जिसमें गरीब लोगों की दुकानों को जला दिया गया था धोखे से, उसके संबंध में हमने ये दिया गया है। क्योंकि वर्तमान समय में जो सनातन धर्मशाला का ट्रस्ट बना है, उसमें वही लोग शामिल हैं जिन लोगों ने अग्निकांड में आरोपी थे। हम चाहते हैं इन आरोपियों को उसमें हटाया जाए और उन लोगों को उसमें ऐड किया जाए जो इनका रिकॉर्ड सही है, इनकी जनता मांग करती है। आज अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया? अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बताया गया है कि मुझे पूरे कागज दिए जाएं, इसके बाद मैं कार्रवाई करूंगा, ट्रस्ट को भंग करूंगा और मुझे सही तरीके से कागज दिए गए। ग्राम पंचायत उमरथाना की कृषकों को उचित मूल्य दुकान से 3 माह तक अनाज नहीं मिलने पर ग्रामवासियों ने SDM चाछोड़ा को सौंपा ज्ञापन। कितने महीने से गेहूं नहीं मिले आपको? 2 महीने हो गए। हां, दो महीने से चावल देता है ना नमक देता है। अच्छा, और कल चाचोड़ा गए थे मीडियम साहब के पास, तो वे भी अभी तक आके नहीं देख रहे। अच्छा, नमक वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता? नहीं मिलता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। शक्कर? नहीं, शक्कर भी नहीं मिलती। मैं उमर थाना पंचायत से उप सरपंच, इस कंट्रोल पे ना शक्कर दी जाती है ना गेहूँ दिए जाते हैं। सभी 1 महीने के आते हैं तो ये दूसरे महीने के भेज देते हैं, ऐसा सिलसिला चलता है। भारतीय किसान संघ जिला गुना तहसील आरोन द्वारा अनुभागीय अधिकारी आरोन द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने बताया कि भारतीय किसान संघ किसानों के द्वारा चलाए जाने वाला, किसानों के हित में काम करने वाला एक गैर राजनीतिक एवं राष्ट्रवादी संगठन है, जो कि किसानों का विकास हेतु निरंतर प्रगतिशील है। इस कड़ी में किसानों को निम्न समस्याओं का निराकरण किया जाए। यह है कि संपूर्ण तहसील आरोन में किसानों की खरीफ सीजन की फसलें धान, उड़द, मक्का, सोयाबीन, तुअर, ज्वार की फसल अतिवृष्टि के कारण फसलों को भारी नुकसान हुआ है। भारतीय किसान संघ तहसील आरोन मांग करता है कि तत्काल सर्वे कराकर बीमा मुआवजा की राशि किसानों को दी जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में अतिवृष्टि के कारण कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे लोगों को अन्न, माल, पशु एवं पशु चारा नष्ट हो गया। ग्रामवासियों का फोटो सर्वे कराकर राहत राशि प्रदान की जाए एवं उनके ठहरने की उचित व्यवस्था की जाए एवं किसानों द्वारा विभिन्न मांग की गई। आज हमने ज्ञापन दिया है, जो अतिवृष्टि के कारण फसल सोयाबीन, उड़द, तुअर, मक्का आदि के लिए भारी नुकसान हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकानों को भी क्षति हुई है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो हमने ज्ञापन दिया है कि किसानों के लिए जो सर्वे कराकर, किसानों की फसल का सर्वे कराकर उनके लिए मुआवजा और बीमा राशि दी जाए, और 2020 का 20 का बीमा भी नहीं आया, उसका भी ज्ञापन दिया है हमने। किस संगठन के माध्यम से? ये भारतीय किसान संघ तहसील आरोन। चलिए।